दोस्तों, अब ये हमारा बड़े वाला मक्का ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है और अभी हमारे ये इस साइड वाला जो इससे हफ्ते भर का छोटा था वो वाला मक्का अभी हमारा चालू हो गया है। आज बड़ी वाली मंडी में गाड़ी लोड हो रहा है तो अभी ट्रैक्टर में लेकर के घर पे जा कर के इसको पैक करेंगे। अभी मैं आ गई हूँ घर पे और घर पे जा कर के मुझे बनानी है शाम के लिए थोड़ी सी खिचड़ी। आप सबको हमारा राम राम। और खिचड़ी में मैंने डाल दिया है ये नमक क्योंकि अभी विकास की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उन्हें डेंगू हो गया है। तो खिचड़ी और मैं बना रही हूँ, दही तिखारी, तो खिचड़ी में नमक डाल के मैंने रख दिया है। अभी मेरे डेयरी का टाइम हो चुका है तो मैं दूध की बर्नी मैंने ले ली है और इसे कर दिया है बंद। अब मैं कर रही हूँ दूध ले जा रही हूँ और अभी मम्मी बैठे हैं सिलाई मशीन पे। सिलाई मशीन काफ़ी दिनों के बाद निकाला है हमने। मम्मी अपना खुद का ब्लाउज बना रही हैं, उन्होंने घर पे ही सीखा है खुद से, तो ये घर पे जो भी कपड़ा था उससे बना रहे हैं। और अभी यहाँ पर दादू आराम कर रहे हैं हमारे, और आगे हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उनकी निगरबानी भी कर रहे हैं। ये हमारा आगे जो भी कंस्ट्रक्शन था वो बारिश में ढह गया है और अभी मैं जा रही हूँ पीछे श्रेड में जहाँ पर हमारा भुट्टे की अरेंजमेंट हो रही है। वो बड़ी वाली मंडी में भुट्टा हमारा जा रहा है तो उनकी अरेंजमेंट कैसे करते हैं और उनकी पैकिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा भुट्टा है जो कि बहुत ही अच्छे से ग्रो हुआ है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है हमें। ये मिठास वेराइटी का है और अभी इन्हें हम ये पैक कर रहे हैं। ये 40 किलो की बैग होती है, ये बड़ी वाली मंडी में जाएंगे। अब तक हम लोकल मंडी में ही सप्लाई करते थे और इस तरह के आलू भरने वाले जो भी बैग होते हैं ना, आलू और प्याज वाले, उनमें हम इन्हें भरते हैं ताकि एयर सर्कुलेशन बना रहे और भुट्टे खराब ना हो। देखिए पर बैग 40 किलो की भर्ती होती है और इन्हें अरेंज करना पड़ता है अच्छे से, तो ही ये 40 किलो एक बैग में आते हैं वरना नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमें माल निकलने की बहुत ही जल्दी है क्योंकि हमें अभी टमाटर की प्लांटिंग उसी खेत में करनी है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें जल्दी से माल निकालना है यहाँ। और इतनी खेप हमारी तैयार हो चुकी है और ये हमारा बी ग्रेड भुट्टा होता है वो जो कि गायें खाती हैं। और अब मैं जा रही हूँ घर की ओर, किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ खिचड़ी के साथ थोड़ी दही तिखारी ताकि विकास के मुंह का टेस्ट भी बना रहे और इन्हें हल्का खाना है तो वो भी हो जाए। तो दही तिखारी के लिए ले लिया है मैंने सबसे पहले तेल। तेल में डाल दूँगी मैं सबसे पहले तड़का लगा लूँगी। सबसे पहले मैंने लिया है राई, थोड़ा सा जीरा और भी मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग। सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। और अब मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक और प्याज का पेस्ट बनाकर रेडीमेड रखा है वो। अभी हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता और इसे अच्छे से स्टीर कर लेंगे और अभी चला लेंगे इसको ताकि हमारा प्याज और जो प्याज नहीं है लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो चिपके ना। थोड़ी सी मिर्ची डाल दी है मैंने। अभी सारे मसाले हमें इसी में बना लेने हैं और गैस की फ्लेम हमें लो कर लेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। अभी मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। और इसी स्टेज पर मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। देखिए और इसे अच्छे से आपको चला लेना है बहुत ही अच्छे से। देखिए बाजू में देवस्य खड़े होके मेरा मजाक उड़ा रहा है थोड़ा सा। अभी नमक डाल देंगे इसमें और थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। आप चीनी अगर आप
नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, पर हमें थोड़ी मिठास चाहिए दही में तो हमने डाल दी। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे और बाद में कर देंगे दही ऐड। दही याद रखना आपको, दही ऑलवेज आपको गैस बंद करने के बाद ही डालना है, वरना आपकी दही फट जाएगी। देखिए ये मैंने दही डाल दी है और गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था। अब हम इसे बहुत ही सावधानी से चला लेंगे। बहुत ही ज़्यादा आपको हार्डली नहीं चलाना है, बहुत रफली चला लेना है। सारे आपकी दही फोड़नी नहीं है आपको, बस इसे हल्की सी गर्म रहेगी। और देखिए अब हमारी दही तिखारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। इसे मैंने लाइट रखा है और कर लेते हैं इसे अलग बर्तन में ट्रांसफ़र, क्योंकि हमारा पैन गर्म है तो दही हमारी पतली हो जाएगी। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे।